कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए सावन चल रहे हैं और सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष विधान रहता है। बहुत सारे भगवान के भक्त तरह तरह से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। भगवान को पाने की इच्छा सभी की होती है, सभी चाहते हैं कि भगवान के दर्शन उनको, सभी चाहते हैं कि भगवान के लय में हर इंसान लयबद्ध हो जाए, भगवान में समा जाए। भगवान भोलेनाथ की महिमा भी बहुत अपरंपार है। थोड़े से ही प्रयास से प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं भगवान भोलेनाथ। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सारे कहानियाँ कहावतें आपको शिव पुराण में भी मिल जाएंगी कि अचानक से भगवान भोलेनाथ किसी भी भक्त से प्रसन्न हो गए हैं। छोटे से छोटे किसी भी चीज़ को अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो विशेष होती हैं, भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान भोलेनाथ पे कुछ अर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ उसे अवश्य स्वीकार करते हैं, निश्चित मान लीजिए। लेकिन मन में विश्वास पक्का होना चाहिए। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आप सच में भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ आपके सामने है और उनको आप सामने से सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ आपकी हमेशा सुनेंगे और हमेशा आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, आपके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करेंगे, आपको और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ पे ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे तीन कौन से कार्य हैं जो हम अगर करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ पे जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, दही अर्पित करते हैं, शहद अर्पित करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप सुन के ही रखे हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं और आप पूजा भी करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान भोलेनाथ पे जब अर्पित की जाती हैं तो वो विशेष हो जाती हैं, विशेष। देखिए पूजा भी होती है, एक विशेष पूजा होती है। पूजा का एक साधारण सा लाभ होता है, लेकिन विशेष पूजा जो होती है उसका विशेष लाभ ही होता है। तो विशेष पूजा में आप क्या कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए? तो अगर आप भगवान भोलेनाथ को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन पे पंचमेवे का जो पंचामृत बनाते हैं उससे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, वो भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करिए। पंचमेवे से आप पंचामृत बनाइए, गाय का दूध ले लीजिए, गाय का ही अगर आपको दही मिल जाता है वो बना लीजिए, तो गाय के दूध और दही और पंचमेवे से आप मिलाकर, उसमें चीनी मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर अगर अर्पित करते हैं मनोकामना के साथ में, ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक जब आप अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन पे इत्र चढ़ा सकते हैं। इत्र लगाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, आपके मन अच्छा हो जाता है, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, आपके जीवन में मानसिक तनाव में कमी आने लगती है, आपका मन मजबूत हो जाता है अगर आप भगवान भोलेनाथ पे इत्र अर्पित करते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप भगवान भोलेनाथ पे चीनी अर्पित करते हैं, देखिए सभी कुछ आप अर्पित करते हैं लेकिन चीनी नहीं करते होंगे, तो अगर आप उन पे चीनी अर्पित करते हैं तो आप सौभाग्यशाली बनने लगते हैं, आपके जीवन में समृद्धि आना शुरू हो जाती है, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपका विजन क्लियर होने लगता है, आपको लक्ष्य दिखने लगते हैं अगर आप भगवान भोलेनाथ पर चीनी अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप भगवान भोलेनाथ पे केसर अर्पित कर, अगर आप उन पे केसर अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। खासकर महिलाएं जब ऐसा करती हैं तो वो सौभाग्यवती बन जाती हैं।
भगवान भोलेनाथ उनको और उनके परिवार को बहुत आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई कुंवारी कन्याएं इस प्रकार से करती हैं तो उनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, उनका मन पसंद का जीवन साथी मिलता है, और ऐसा जीवन साथी मिलता है जो जीवन भर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जीवन भर उसको अपने पलकों पर रखता है। तो जीवन साथी अगर अच्छा पाना चाहते हैं आप तो केसर अर्पित अवश्य करिएगा। अगर आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो केसर अर्पित अवश्य करिएगा। अगर आप सौभाग्यवती बनना चाहते हैं तो केसर अर्पित अवश्य करिएगा। इसी प्रकार से अगर पुरुष भी केसर अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनके जो व्यवसाय होता है, उनकी जो नौकरी होती है, उससे संबंधित उनको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने ये सब तो जान लिया कि हाँ क्या क्या अर्पित करना चाहिए, कैसे कैसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आप अर्पित करते आए हैं वो तो करनी ही करनी है। जैसे आप जल अर्पित करते आए तो जल अर्पित करना ही करना है। अगर आप उन पर बेलपत्र अर्पित करते आए हैं तो उन पर बेलपत्र अर्पित करते रहिए। अगर आप उन पर शहद अर्पित करते हैं या पुष्प अर्पित करते हैं, बेर अर्पित करते हैं, जो मौसमी जो फल होते हैं, जो इस समय फल चल रहे होते हैं, अगर जैसे आम हो गया, आम अगर उनके ऊपर अर्पित करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप अर्पित करते रहिए। धतूरा हो गया या जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ से भगवान भोलेनाथ को पहले से अर्पित करते आ रहे थे, वो सारी चीज़ें तो करनी ही करनी है, लेकिन जो विशेष चीज़ें आपको बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप अर्पित करते हैं तो आप विशेष हो जाते हैं। विशेष का अर्थ क्या होता है कि जो लोग सारी सब कुछ कर रहे थे उनसे हटके आप कुछ कर रहे हैं। जब आप हटके कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है नज़र में तो आएंगे ही आएंगे, तो भगवान भोलेनाथ की दृष्टि आपके ऊपर अवश्य पड़ेगी। और भगवान भोलेनाथ की दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ जाएगी तो आपके जीवन में आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएँ घटना शुरू हो जाएंगी, और दूसरा उस प्रकार के योग बनना शुरू हो जाएंगे जैसा आप जीवन में पाना चाहते हैं। जैसे अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो वैसा योग बनना शुरू हो जाएगा कि अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा जीवन साथी आपको मिलने लगेगा या दिखने लगेगा, समझ आने लगेगा, तो इस प्रकार की घटनाएँ आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। आशा ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।